काफ़ी थोड़ा सा विंटेज लुक है और अच्छा लगा मुझे, काफ़ी स्पेशियस है। बुकिंग डन, अभी घर जाएंगे और वो पार्सल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। बहुत भाइयों, बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे ऐसे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही बिजी सा टाइम रहा है पिछले कुछ महीने, पिछले कुछ हफ्ते। यूट्यूब से बहुत ही गायब ही था मैं ऑलमोस्ट। जैसे कि आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मेरी इंगेजमेंट हो गई और शादी को अब थोड़ा सा कम टाइम बचा है, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। घर का रिनोवेशन थोड़ा बहुत चल रहा है, पेंट जॉब चल रहा था, तो उस चक्कर में बहुत ही बिजी था। ऊपर से आई एम एन आई टी एम्प्लॉई, रोज़ के 8-9 घंटे काम करना, उसके बाद सारी चीज़ें करना, थोड़ा सा क्योटिक हो गया था, इसलिए आई वॉजेंट शोइंग अप ऑन यूट्यूब। तो अभी भी सुबह लॉग इन करके काम चालू है। ये अपनी छोटू, ये दोनों आई गेस पहली बार एक फ्रेम में आए हैं। हाय बोल, हाय बोल, डोड़ा मार। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं अभी जा रहा हूँ मेरे वेडिंग के लिए एक हॉल बुक करने। फाइनलाइज हो गया, बहुत सारे सांगली में हॉल देख लिए मैंने, बट मुझे वो थोड़ा सा विंटेज और थोड़ा सा अच्छा लगा और स्पेशियस है, इसलिए मैं आज उसकी बुकिंग करने जा रहा हूँ। तो डैड नीचे वेट कर रहे हैं, आई एम रनिंग लेट। उठते से ही मैंने लॉग इन कर लिया था एंड अभी बस नहा धो के अभी निकल रहा हूँ मैं। और एक पार्सल आया है मेरे ऑफिस से, दिवाली का गिफ्ट। मुझे ज़िंदगी में इतना बड़ा दिवाली गिफ्ट किसी कंपनी से मिला नहीं है, सो आई वांट टू टेल यू गाइस। तो ये पार्सल है और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे आने के बाद। बहुत ही बम्बू चीज़ है, इसमें कमाल चीज़ है। आई एम रियली एक्साइटेड, आप लोग भी बने रहिएगा। और अभी चलते हैं, हॉल बुकिंग करते हैं, कुछ एक दो काम है, डैड नीचे वेट कर रहे हैं। सो आई विल सी यू इन अ बिट। बाय मन। बहुत सारे हॉल्स देखे सांगली में और कहीं पे गर्म पानी की ये नहीं है नहाने के लिए, कहीं पे रूम्स कम है, तो ऐसा कुछ ना कुछ क्लॉज था। बट दिस हॉल इज़ एक्चुअली परफेक्ट एज़ पर माय रिक्वायरमेंट। तो काफ़ी थोड़ा सा विंटेज लुक है और अच्छा लगा मुझे, काफ़ी स्पेशियस है। मेन चीज़ पार्किंग वर्किंग सब सॉर्टेड है, सिटी में आपको पता ही है। तो सो दिस इज़ द हॉल वी आर फाइनलाइजिंग। शादी बोले तो बहुत खर्चे होते हैं, बट ठीक है यार, एक ही बार होती है, पैसा क्या छाती पे थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो शादी की तैयारियां चालू हो चुकी है, बहुत कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। दिसंबर में मेरी शादी है, तो हम लोग अभी इसे तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। बुकिंग डन, अभी घर जाएंगे और वो पार्सल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन, लेट्स गो। बहुत से लोग ना सिटी में ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो गया है और बहुत से लोग अभी मास्क पहनने ही नहीं लगे। अभी तक ऑफिशियली ऐसे कुछ अनाउंस किया नहीं है कि विदाउट मास्क आप घूम सकते हो, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करी है, राइट? तो उन लोगों के सामने हम मास्क पहनने वाले तो मतलब छुपे ही लगते हैं, है ना? हाँ भाई, तो मस्त अभी खाना खाएंगे, घर का खाना, सब्जी रोटी दाल भात पावर, उसके बाद फिर वो पार्सल जो आया ऑफिस से वो अनबॉक्स करेंगे। तो अभी बताता हूँ मैं इतने दिन से कहाँ गायब था।
मैं पुणे में था, काफ़ी दिन वहाँ पे रहा, कुछ काम चल रहे थे। शुभांगी का चॉकलेट का बिजनेस है, ओके। शुभांगी मेरी गर्लफ्रेंड फियांसे, तो हम लोग पहले, शी वॉज रनिंग द बिजनेस सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, और तब से वो पुणे में ही वो बिजनेस करती है, वहीं पे डिलीवर कर रही है चॉकलेट्स। एंड नाउ हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं और हम लोग ओवरऑल इंडिया में शिप कर रहे हैं उसकी चॉकलेट्स वगैरह। तो हम लोग अभी घर पे भी चॉकलेट्स बना रहे हैं, सांगली कोल्हापुर इस साइड का सब हम लोग घर पे देख रहे हैं। तो उसी चक्कर में अभी हम लोग लगे हुए हैं। उसी दौरान घर पे थोड़ा बहुत फर्नीचर करना भी ज़रूरी था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, है ना। तो अब शादी होगी, घर पे लोग आएंगे, तो ऐसे रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा फर्नीचर वर्नीचर का काम करवाया, और पेंट वेंट का अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। पुणे में मैं कुछ काम से था तब ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाया। ऑफिस का काम मेरा लॉगिन हमेशा दिन भर चलते रहता है। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, 3-4 वीडियोस मेरे पास बैकलॉग के हैं, जो मैं इन डेली या कुछ हफ्ते वाले वीडियोस के साथ में वो भी पोस्ट करते जाऊँगा। आई होप आपको वो भी अच्छे लगे। ये पूरा सीन था इसलिए मैं गायब था थोड़े दिन यूट्यूब से। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी जर्नी जो है, शादी की तैयारी हो या मैं अभी क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट हो, तो ये काइंड ऑफ यू नो दूल्हे की डायरी की तरह बने, वेडिंग डायरी की तरह। तो आज के बाद मतलब जो भी होगा मतलब डॉक्यूमेंट होगा। अनबॉक्सिंग करके बहुत टाइम हो गया यार, मतलब वीडियो ही शूट करके इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया। मैंने लास्ट वीडियो पता नहीं कब डाला है, मुझे खुद को याद नहीं। यूट्यूब चैनल मैंने खुद का खोल के नहीं देखा है। होपफुली अभी मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, बने रहना चैनल के साथ में। ये 2 लाख का कटर अभी शुभांगी भी यहाँ पे होती, क्योंकि शादी के बाद वो भी यहाँ पे आएगी और मम्मी और शुभांगी दोनों मिल गई इसका यूज करने वाले। मेरे को पता है इसके अंदर क्या है, बट मॉम को पता नहीं। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं अभी कुछ ही दिनों में माइक्रोवेव लेने वाला था और ऑफिस ने ही भेज दिया दिवाली गिफ्ट, लाइक मज़ा आ गया यार। मैंने अभी अभी जस्ट किचन में थोड़ा सा फर्नीचर बनवा के चॉपिंग काउंटर और माइक्रोवेव के लिए जगह बनाई है। ये पहले हाफ किचन था, अब ये सब अभी जस्ट बनवाया था, अब यहाँ पे ना परफेक्टली माइक्रोवेव फिट हो जाएगा। मॅडम काय झालं? सरप्राईज बघा तुम्ही आता। काय आहे ओटीजी आहे का? हा हाँ, ये गिफ्ट म्हणून आले बघ की केवढं भारी। कन्फ्यूज पर घेतो ना ते ऍप्लिकेशन पाठवून। मी काय कॉपी पेस्ट करू शकते तुझ्यासारखं? गजब बेइज्जती है।
मी कॉपी पेस्ट नाही करत, डोकं वापरतो. युट्यूबर्स नाही ग. तू यायच्या आधी शुभांगी अगर होती ना यहाँ पे तो फर्स्ट थिंग वो क्या बना दी होता हूँ, पिज्जा. आता डाएट करायला लागली ना. चॉकलेट्स मेकिंग. माझं पण बाजार उठला इकडं दिवसभर. गुड गुड. काय असेल ते असेल, गरम करायला झालं ना पासून. आपण घेऊ ओटीजी केबल आणि काय काय घेऊ आपण. रोस्टिंग चालू झालं इथं. तो दोस्तो आज का दिन भी खत्म हो गया. रात के 10:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट. और अभी मुझे ऑफिस का थोड़ा बहुत काम खत्म करना है. दिसंबर में मेरी शादी है तो मैं शायद 10-15 दिन छुट्टी ले सकता हूँ. तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सब पहले से ट्राई कर रहा हूँ कि फिनिश कर लूँ. आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताना. आज ज़्यादा कुछ खास था नहीं करने के लिए, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है. तो फिर भी दोस्त लोग बोलते रहते कि भाई कुछ तो डाल, काफ़ी टाइम से गायब है. तो हियर इट इज़. ऐसे व्लॉग्स आप देखना पसंद करोगे नहीं, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा या 6-8 मिनट का मैं रखने की कोशिश करूँगा. सो डू कॉमेंट और मुझे बताओ कि आपके क्या थाट्स हैं. चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड वंस अगेन थैंक यू कैंप इंडिया, यू मेड माई डे. पीस आउट.